रब नेकम डर स्टूडेंट्स एज यू नो आई एम आर यू नोशीन एंड वी आर फॉलोइंग ऑनलाइन विद कम्प्यूटर रिवाइज एडिशन फॉर ग्रेड सेवन स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर वन स्टार्ट किया हुआ है और कल हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंगवेज़ को दो टाइप्स में कैटेगर किया गया है वन ऑफ़ दैम इज़ लो लेवल लैंग्वेज एंड सेकेंड वन इज़ हाई लेवल लैंग्वेज़ तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्राम द टॉपिक लो लेवल लैंग्वेज एल 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 तो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट ट्रेडिंग लो लेवल लैंग्वेज आर इजी ईज़िली अंडरस्टूड बाई कंप्यूटर्स लो लेवल लैंग्वेज़ को आसानी से आप कंप्यूटर से समझ कंप्यूटर इसको आसानी से समझ सकता है ठीक है अंडरस्टूड का मतलब है समझ लेता है ईज़िली आसानी से समझ लेता है बट आर मोर डिफिकल्ट फॉर प्रोग्रामर मोर डिफ़िकल्ट का मतलब होता है बहुत मुश्किल लेकिन ये बहुत मुश्किल है प्रोग्रामर के लिए टू अंडरस्टैंड एंड राइट, कि वो उसको अंडरस्टैंड करे या राइट करे। देर आर देर आर ऑफ़ टू टाइप्स मशीन लैंग्वेज एंड असम्बली लैंग्वेज तो uh, ऐसे लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर आसानी से समझता है उसकी दो एक्साम हैं मशीन लैंग्वेज और असम्बली लैंग्वेज तो स्टूडेंट्स देखें अब मैं आपको एक छोटी सी अगर एग्जांपल दूं लो लेवल लैंग्वेज कैसे कंप्यूटर को आसानी से समझ आ जाती है और प्रोग्रामर या यूज़र को समझ नहीं आती तो आप देखें पश्तो आपकी लैंग्वेज नहीं है अगर आप पंजाबी हैं तो ठीक है पश्तो आपकी लैंग्वेज नहीं है आपकी पंजाबी लैंग्वेज है तो आपको पंजाबी समझ आएगी आपको पश्तो समझ नहीं आ सकती क्यों क्योंकि पश्तो आपकी अपनी लैंग्वेज नहीं है जो आपकी मदर टंग होती है आपको वो समझ आती है जो नेशनल टंग होती है वो भी समझ आ जाती है जो कौमी ज़बान है उर्दू वो भी सबको समझ आ जाती है ठीक है हम सबको समझ आती है उर्दू क्योंकि हम स्कूल जाना शुरू करते हैं तो साथ साथ घर वाले भी बोलते हैं घर वाले अपने घर में अपनी ज़बान बोलते हैं और स्कूल में उर्दू बोली जाती है तो हमें उर्दू को समझना और अपनी मदर टंग वो आपकी मदर टंग चाहे पंजाबी है चाहे सराइकी है चाहे सिंधी है चाहे बलोची है बट जो भी है वो आपको समझ आ जाती है तो सपोज़ आप पठान नहीं हैं और आपको पश्तो तो फिर कैसे समझ आएगी ठीक है वैसे आजकल सब पठानों की जबानी पश्तो तो नहीं होती खैर ये बात डिस्कशन की नहीं है तो जिस तरह आपकी जो मदर टंग है वो आपको समझ आती है या जो नेशनल लैंग्वेज है वो समझ आती है इसी तरह आपको अपनी वो लैंग्वेज नहीं समझ आएगी जो मदर टंग नहीं है या जो नेशनल लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश आपको सीखनी पड़ती है इंग्लिश आपको समझ नहीं आ जाती पश्तो आपको सीखनी पड़ती है ठीक है फारसी आपको सीखनी पड़ती है पर्शियन लैंग्वेज भी आपको सीखनी पड़ती है और पर्शियन में कोई बात कर आपको नहीं समझ आएगी ठीक है तो ये लैंग्वेजेस जो हमें सीखनी पड़ती हैं वो एक्चुअली में हमारी अपनी लैंग्वेजेस नहीं होती इसलिए हमें समझ नहीं आती तो इसी तरह कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज तो मैं आपको यहाँ पे ख़ैर आगे डिटेल में है लेकिन मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि जो आपके पास मशीन लैंग्वेज है ठीक है जो आपके पास यहाँ पर मशीन लैंग्वेज है स्टूडेंट्स उसको हम लिखते हैं ज़ीरो और वन की फॉर्म में यही आगे डिटेल में हमने पढ़ना भी है लेकिन मैं आपको पहले से समझा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो और जो असम्बली लैंग्वेज हम आगे पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स उसको आप इंग्लिश लाइक लेटर्स में लिखते हैं जैसे आप लिख रहे हो सम तो आप उसको लिखोगे एस यू एम सम तो वो प्रोग्रामर को कहीं ना कहीं समझ आ ही जा आ भी जाती है यूज़र या प्रोग्रामर को लेकिन मशीन लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती असम्बली लैंग्वेज फिर भी थोड़ी सी आसान है नीयर टू यूज़र कह सकते हैं कि थोड़ा सा यूज़र के करीब है यूज़र को समझ आ जाती है लेकिन मशीन लैंग्वेज जिसकी सारी इंस्ट्रक्शन ज़ीरो और वन के फॉर्म में हों वो कैसे समझ आएगी यानी या, कि आपने अगर अपनी मशीन या अपने कंप्यूटर को कहना है कि एड वन प्लस वन तो आपने ये भी मशीन लैंग्वेज में कहना है ठीक है आपने अगर कहना है कि डिवाइड एट को डिवाइड करें टू से ये भी आपने मशीन लैंग्वेज यानी ज़ीरो वन के फॉर्म में कहना है तो आप कैसे कहेंगे जाहिर बात है दिस इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू ये आपके लिए मुश्किल है हम लैंग्वेजेस क्यों पढ़ रहे हैं हम लैंग्वेजेस से इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा कंप्यूटर हमसे किस तरह से हमारी बात को समझेगा और हम कैसे उसको बात समझाएँगे फिर अगर हमें मशीन लैंग्वेज में बात समझ नहीं आती और कंप्यूटर को तो आती मशीन लैंग्वेज में फिर हम क्या करेंगे ठीक है अब आप देखें आप पाकिस्तान ने चाइना के साथ कोई भी बात करनी होती है मजाकरात होते हैं तो दरमियान एक ट्रांसलेटर होता है जो चाइनीज़ को बताता है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये कह रहा है और चाइनीज़ जो ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं जो हमें कभी भी समझ नहीं आती उनकी तरफ से एक ऐसा ट्रांसलेटर होता है दरम्यान एक ट्रांसलेटर ये होता है जो बता रहा होता है कि जो पाकिस्तान के पी को बताएगा कि चाइनीज़ के प्राइम मिनिस्टर ये बात करें ठीक है तो लैंग्वेजेस हम पढ़ें बाद में हम ट्रांसलेटर भी पढ़ेंगे जो कि एक्चुअली में क्या करेगा जो ये बताएगा कंप्यूटर को के यूजर क्या कह रहा है ट्रांसलेटर बताएगा कौन बताएगा ट्रांसलेटर बताएगा ये बात याद रखनी है आपने जब हम ट्रांसलेटर्स पढ़ेंगे तब मैं आपको ये डिटेल में समझा दूंगी तो ये तो एक्चुअली में इंट्रोडक्शन था कि हम क्यों पढ़े हैं लैंग्वेजेस ठीक है ताकि हमें पता चले कि कंप्यूटर बात कैसे समझेगा हमारी हमें भी पता होना चाहिए कि कंप्यूटर कि किस लैंग्वेज में बात समझता है और कंप्यूटर को भी पता होना चाहिए कि हमें किस लैंग्वेज में बात समझ आती है आप प्रेस करते हो कीबोर्ड से एक की लाइट से आप एल प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा आपने एल प्रेस किया है ठीक है वो कैसे स्क्रीन पे अगर दिखा रहा है तो वो पीछे क्या हो रहा है कि वो फिर स्क्रीन पे आपको एल ही दिखा रहा है हालांकि उसको तो ज़ीरो वन के फॉर्म में समझ आता था, था फिर उसने कैसे कीबोर्ड से एल को समझा और आपको स्क्रीन पे भी एल ही दिखा दिया दरमियान में ऐसा क्या हुआ उसे क्या पता आपने एल प्रेस किया ये सारी स्टोरी है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला टॉपिक जी नेक्स्ट आप देख लें कि मशीन लैंग्वेज हम पढ़ने वाले हैं मशीन लैंग्वेज इज़ द ओनली लैंग्वेज मशीन मशीन की जबान सिर्फ वो ज़बान है दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर जो कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ है डायरेक्ट समझ आने का मतलब है आपको दरमियान में कोई ट्रांसलेटर नहीं रखना पड़ता जैसे अगर आप लोग पंजाबी हैं तो आप पंजाबी बोलोगे तो किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि ये कह रहा है कि पानी ला के दो ठीक है तो डायरेक्ट समझ आने का ये मतलब है कि किसी को आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता कि कौन क्या बात कह रहा है नेक्स्ट है ऑल द इंस्ट्रक्शन आर रिटर्न इन अ सीरीज ऑफ वन कंप्यूटर को आप जो भी हदायत दोगे जैसे मैंने अभी बताया आपको आप जीरो और वन की फॉर्म में देंगे ठीक है आर रिटन इन सीरीज ऑफ जीरोज एंड वन तमाम जो इंस्ट्रक्शन होती हैं उनको आप जीरो और वन में ही लिखते हैं ठीक है तमाम किस्म के इंस्ट्रक्शन को किस में लिखते हो जीरो और वन के फॉर्म में क्यों क्योंकि कंप्यूटर को समझ ही जीरो वन के फॉर्म में आता है और मशीन लैंग्वेज इसी पे ही काम करती है अब नेक्स्ट आपके पास प्रोग्राम की डेफिनेशन है प्रोग्राम क्या है प्रोग्राम रिटन इन आ मशीन लैंगवेज नीड्स टू प्रोग्राम की डेफिनेशन ये है ये ये बताया गया कि एक प्रोग्राम को जब आप राइट करते हो मशीन लैंग्वेज में तो फिर आ, आगे क्या फ़र्दर प्रोसेस होता है ठीक है जैसे मैंने आपको मैं ये बता चुकी हूँ ऊपर हम रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी अ प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज नीड्स नो ट्रांसलेशन एज़ द सी पी यू एग्जीक्यूट दैम डायरेक्टली मैंने जैसे ऊपर आपको बताया था कि अगर आप उर्दू स्पीकिंग हैं या पंजाबी स्पीकिंग हैं तो आपको वो लैंग्वेज पंजाबी लैंग्वेज अगर एक पश्तो से बात कर रहे हैं तो पश्तो समझने के लिए आपको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत है जो आपको ये बताएगा कि वो जो पश्तो बोल रहा है उससे पंजाबी में क्या कहते हैं क्या इंस्ट्रक्शन है एक्चुअली में वो तो जब आप पंजाबी हैं और आप पंजाबी से ही बात कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी ट्रांसलेटर की तो इसी तरह यहाँ पे क्या कहा गया है यहाँ पे कहा गया एक वो प्रोग्राम जो कि मशीन लैंग्वेज में हो उसको सी उस को उसे एग्जीक्यूट वो डायरेक्ट कर लेता है उसे वहाँ पे किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती क्यों क्योंकि वो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है जब सी उसको रन कर रहा होगा एग्जीक्यूट का मतलब है रन करना चलाना जब कंप्यूटर उसको चला रहा होगा तो उसको डायरेक्ट ही समझ जाएगा उसको चला लेगा डायरेक्ट क्यों क्योंकि वो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है तो ट्रांसलेटर की ज़रूरत ही नहीं है ठीक है जी नेक्स्ट है देअर फॉर प्रोसेसिंग इज़ वेरी फास्ट इसलिए प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा तेज़ तरीन होगी जाहिर बात है जब आप भी अपना अगर एग्ज़ाम्पल लें आप पंजाबी हैं और आप पंजाबी बोलने वाले से ही बात हैं तो आपको डायरेक्ट बात समझ आ रही है तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो भी फास्ट होगी ठीक है और अगर आप किसी और लैंग्वेज के बंदे से बात कर रहे हैं तो आपको बात समझने में मुश्किल होगी और टाइम ज़्यादा ज़ाया होगा और फास्ट काम नहीं होगा फॉर दिस रीज़न इस वजह से रीज़न का मतलब है वजह गेम्स एंड सम्यूलेशन प्रोग्राम्स आर रिटन इन मशीन लैंगवेज़ गेम्स को और सम्योलेशन प्रोग्राम्स को हम किस में राइट करते हैं हम मशीन लैंग्वेज में राइट करते हैं ठीक है वहाँ पे वैसे भी इन इन दोनों प्रोग्राम्स में यूज़र का आ, कोई ऐसे ताल्लुक नहीं होता वो कम्युनिकेट जो होता है वो खेलने के दौरान ही कर रहा होता है वैसे वो कम्युनिकेट नहीं करता इसलिए इनको इस तरह से जनरेट किया जाता है बट दीज लैंगवेजेज़ज़ज आर नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड और यूज फॉर अस ह्यूमन बींगस ठीक है तो लेकिन वो कहते हैं ये जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हमारे लिए इंसानों के लिए अंडरस्टैंड करना आसान नहीं होते ठीक है ये इंसानों के लिए अंडरस्टैंड करना आसान नहीं होता तो फिर क्या होता है राइटिंग एंड चेकिंग द मशीन लैंग्वेज इज़ वेरी टीडियस डी या टास्क एंड कैन बी डन ओनली बाय एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स टीडियस का मतलब है मुश्किल ये आ, अब देखें कि आ, लिखना और चेक करना दोनों मशीन लैंग्वेज को लिखना और फिर मशीन और फिर लिखी हुई मशीन लैंग्वेज को चेक करना कि प्रोग्राम ठीक राइट भी किया है या नहीं ये सिर्फ एक्सपर्ट प्रोग्रामर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है ठीक है एक्सपर्ट प्रोग्रामर इसको सिर्फ क्यों कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है नेक्स्ट देखिए असम्बली लैंग्वेज असम्बली लैंग्वेज यूज लेटर कोड्स इंस्टेड ऑफ डिजिट्स मैंने आपको पहले बताया है कि आप इस तरह से इसको लिखते हैं ठीक है सम लिख रहे हैं एस यू एम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन लिख रहे हैं एस यू बी लिखेंगे तो बाइनरी डिजिट्स यानी जीरो वन के अलावा के बजाय ये लेटर्स का यूज़ करते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है असम्बली लैंग्वेज में दीज लेटर्स कोड आर नोन एज निमोनिक्स इसको आपने एम को साइलेंट कर देना इनको आप क्या कहते हो इनको आप निमोनिक्स कहते हैं ये जो लेटर्स आप यूज़ करते हो सब एस यू बी ये निमोनिक्स हैं निमोनिक्स क्या होते हैं ये निमोनिक्स की डेफिनेशन है अनिमोनिक आप इसको अंडरलाइन भी करेंगे अनिमोनिक इज़ एन अल्फाबेटिकल एब्रीवेशन यूज एज अ मेमरी एड ठीक है ये एक अल्फ़ाबेटिकल एब्रीवेशन होती है जो कि मेमरी की मदद करने के लिए इस्तेमाल होती है यानी कि बजाय इसके कि आप पूरा लिखें सब्ट्रैक्शन आप मेमरी को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे मेमरी एड का मतलब है मदद मेमोरी की हेल्प करेंगे और उसकी एब्रीवेशन यूज़ कर लेंगे उसकी शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशन का मतलब है शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर लेंगे आप फॉर एग्जाम्पल टू रिप्रेजेंट एडिशन द निमोनिक एड मे बी यूज ठीक है सिमिलरली सम ऑफ अदर निमोनिक्स यूज आर एज फॉलोज सब्ट्रैक्शन के लिए सब मल्टीप्लीकेशन के लिए एम यू एल टी लोड के लिए एल डी ए डिवाइड के लिए डिफ ठीक है ये सारे हम यूज करते हैं नेक्स्ट आप देखिए

लेटर्स uh, का इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स और मैथमेटिकल सेम्बल का जैसा कि इंसानों की जबानों में होता है ठीक है हाई लेवल लैंग्वेज आर नॉट मशीन डिपेंडेंट मशीन डिपेंडेंट का मतलब है ये मशीन पर इंसार नहीं करती जो आपके पास मशीन लैंग्वेज है वो मशीन इन वो मशीन डिपेंडेंट है असम्बली लैंग्वेज भी मशीन डिपेंडेंट नहीं है मशीन पर वो भी डिपेंड नहीं करती मशीन डिपेंडेंट का मतलब है जिसको सिर्फ मशीन समझ सके और कोई भी ना समझ सके ठीक है तो जो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज है ये या आपने याद रखना है असम्बली लैंग्वेज भी मशीन डिपेंडेंट नहीं है असम मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज एक ही है मैं अगेन आपको बताती हूँ और मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज है जिसे आप ज़ीरो की फॉर्म में लिखते हैं या आप ये भी कह सकते हैं मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर के सबसे ज़्यादा करीब है या कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है नेटिक लैंग्वेज का मतलब है मादरी ज़बान ठीक है वंस द प्रोग्राम इज़ रिटन एक दफ़ा जब प्रोग्राम लिख लिया जाता है इट कैन बी यूज ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स तो इसको मुख्तल कंप्यूटर्स पे इस्तेमाल किया जा सकता है द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज नीड्स टू बी कन्वर्ट इन टू मशीन कोड्स बाई यूजिंग आइदर कंपाइलर और एन इंटरप्रेटर मेन पॉइंट वो कहते हैं कि वो प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको ज़रूरत होती है नीड्स ज़रूरत होती है टू बी कन्वर्टेड कि उसको तब्दील कर लिया जाए इन टू मशीन कोड्स मशीन कोड्स में जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाता है उसको आपको उसे मशीन लैंग्वेज में मशीन कोड्स में तब्दील करना पड़ता है क्यों क्योंकि आपका कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है और उस, उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है और ट्रांसलेटर्स की ये नेम्स हैं ये जो आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर बताया गया ये क्या है ये ट्रांसलेटर्स के नेम्स हैं आपको अपनी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोर्स में तब्दील करने के लिए कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें कंपाइलर और इंटरप्रेटर कहते हैं ठीक है जी अ कम्पेरिजन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज़स एक कंपेरिज़न दिखाया गया है नीचे वो हम देख लेते हैं हाई लेवल और लो लेवल दोनों लैंग्वेज़ का हैव अ लुक हाई लेवल लैंग्वेज नंबर वन ईजी टू राइट इंसानों के लिए डिफिकल्ट टू राइट ये भी इंसानों के लिए लो लेवल लैंग्वेज हमारे लिए, लिए लिखना मुश्किल होती है ईजी टू टेस्ट एंड डी बग का मतलब है बग का मतलब होता है एरर गलती डीबक का मतलब होता है एरर निकाल देना इससे टेस्ट करना भी आसान असा, है और इसकी गलतियाँ निकालना भी आसान है ठीक है क्योंकि हमें समझ आती है लिखा हुआ है अगर दिस इज़ अ बॉय और बॉय की स्पेलिंग है बी वाई ओ तो आपको गलत आसानी से नज़र आ जाएगी लेकिन अगर ये पश्चों में लिखा हुआ है तो आपको समझ नहीं आएगी लो लो लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में आपको टेस्ट करना और डिबग करना दोनों मुश्किल लगता है ठीक है टेस्ट टेस्टिंग और डिबगिंग दोनों आपके लिए डिफ़िकल्ट होती है थर्ड पॉइंट है प्रोसेसिंग स्पीड इज़ स्लो क्यों क्योंकि आप ट्रांसलेटर्स इस्तेमाल कर रहे होते हो ना इसलिए इसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो कम होती है या प्रोसेसिंग स्पीड इज़ यूजली फास्ट जब आप काम ही मशीन पे कर रहे हो और मशीन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो काम फास्ट होगा तो इसकी जो लैंग्वेजेस हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की वो कौन कौन सी हैं सी प्लस प्लस जावा और हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल कौन सी हैं फोल्ट्रॉन कोबोल और लो लेवल लैंग्वेजेस ठीक है, है? आ, आपने अच्छे से इसको लर्न करना है इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कॉमनली यूज पॉपुलर जो लैंगवेजेज़ हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनको पढ़ेंगे ठीक है ये जो नीचे आपको दी दी हुई हैं नाइन लैंग्वेज़ इनको हम पढ़ेंगे इन शा ख़्याल रखें अल्लाह हाफ